Assalamualaikum. Quarantine day, I don't know what. काफ़ी दिन हो गए हैं. आप सब यकीनन, मुझे उम्मीद है, अपने घरों में होंगे, क्योंकि कोरोना जैसी वबा जो है वो बाहर फैली हुई है. एंड यू नीड टू कीप योर सेल्फ सेफ. आपने घर से बाहर नहीं निकलना, कम से कम जाना है सिर्फ ज़रूरत के तहत या सिर्फ काम के तौर पर, वो भी तमाम तर ज़रूरी प्रिकॉशंस लेते हुए. अच्छा, आज हम कोरोना पे बात नहीं करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग क्रेजी. माई टीम डिसाइडेड टुडे कि आज हमें कुछ ऐसा पागल करना चाहिए जो हमने कभी नहीं किया. हालांकि मैंने अपनी टीम से कहा कि हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पागल करते हैं और हमसे ज़्यादा पागल कोई हो नहीं सकता, बट समहाउ दे डोंट थिंक सो. सो व्हाट आर वी डूइंग टुडे? वी आर गोइंग टू प्ले स्पिल योर गट और फिल योर गट. व्हाट, ये क्या है स्पिल योर गट? इसको उर्दू में क्या कहोगे? अंदर की राज की बातें निकालना. मुश्किल काम है. और ये है फिल योर गट. और इसका मतलब अपना पेट भरना इन चीजों के साथ. हाँ, हमारे पास केचप है, अचार है, चिकन स्प्रेड है. मेयोनीज़? नो गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ. यू आस्क्ड फॉर समथिंग क्रेजी. दिस इज टू मच. वी आर ऑलरेडी क्रेजी, सो व्हाट्स रॉन्ग? ओह गॉड, हेल्प मी. अच्छा, एनीवेज, सो प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एम आई सपोज टू डू. सो जो आपके राइट साइड पे जार पड़ा है ये वाला, हाँ जी, उसके अंदर देयर आर सम चिप्स इनसाइड, जिसके अंदर सॉसेस या फिर जो आपके सामने प्लेट के अंदर डिलिशियस चीजें लिखी हुई. मैं समझ गई. ओके, वो लिखा. और इस तरफ क्या है? क्वेश्चंस हैं और मुझे उन क्वेश्चंस को आंसर करना है. और अगर मैं आंसर नहीं करती तो यू हैव टू टेक अ चिट आउट फ्रॉम द जार. और अगर मैं करती हूँ तो क्या ये चीजें हैं आप लोग खाएंगे? हम इतने अच्छे नहीं हुए. एनीवेज, ओके, आई वांट टू डू दिस, सो आई डोंट वांट टू डू दिस, प्लीज लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ. प्लीज. नो, दैट इज नॉट हैपनिंग टुडे. लेट्स बिगिन. ओके, rank the following from the most favorite to the least. 1 on 10, 1 se 10 tak. Yep. Okay, Myra Khan, number 1. Urva Hussain, 9. Aisha Umar, 5. Iffat Umar, 2. Sajal Ali, 2. Aliza Shah, oh, वो वाली वो एहदे वफा, ओके, 5. या 6. हानिया आमिर, 8. जीत गई. सो अब तुम क्या खाओगे इसमें से? कुछ भी नहीं. नेक्स्ट. फाइन. व्हाट इज योर एज? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम लोगों को हरगिज ये बात नहीं बताने वाली. लिहाजा वांट टू सी व्हाट दिस इज. अल्लाह करे न्यूटेला लिख. दिस इज वाइल्ड हर्ब. आर यू श्योर? यस. आर यू श्योर? यस. डिस्गस्टिंग. ता-ता-ता-ता. Sing, write, produce a song. Well, I will sing a song. मैं गाना ज़रूर गाऊंगी. अभी कुछ अरसे पहले मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि आप गाने बहुत बुरी तरह उनकी टांग तोड़ती हैं, पर कोशिश करूंगी. लिखूंगी नहीं, but I'm going to sing one for sure. I have one in the pipeline. और बहुत जल्द वो सामने आने वाला है. Yes. As soon as corona ज़रा छुप जाए ना, तो फिर हम खुल के सामने आएंगे. So next. Okay, diet or workout? Diet ki
माँ की आँख वर्कआउट. क्योंकि डाइट कर करके आई रियलाइज कि इंसान की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, लिहाजा यू शुड एक्चुअली वर्कआउट और उसको आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लें जिससे आपको कभी डाइट की तरफ जाना ना पड़े. बिकॉज डाइट इज रियली रियली मुझे पसीने आ रहे हैं और मेरी टीम मुझे इशारे कर रही है कि आप बह रही हैं. इट्स ओके गाइस, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ. यू नो वट इज योर साथ, ये पर्सनली भी पूछा जा सकता था वैसे आई सपोज, लेकिन ओ ये तो मैंने जवाब दे दिया, ये इधर आएगा. व्हाट इज योर सैलरी गाइस, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट. वैसे सैलरी मिली नहीं है अभी काफी महीनों से, लेकिन जब मिलेगी तो फिर भी नहीं बताऊंगी. लुक एट मेनीज, नफरत है मुझे तुम लोगों से. आई हेट यू. मुझे जरा यहां से फ्री होने दो. When will you expose your children? Okay, ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं. आई विल नॉट एक्सपोज माई चिल्ड्रन, उसकी रीजन है. देखिए, इसलिए नहीं कि मैं अपने बच्चे आप लोगों से मिलाना नहीं चाहती. Of course, I want to show them to you. But the fact is कि जिस सेटअप में हम रहते हैं ना, उस सेटअप में जब आप बच्चों को या किसी ऐसे वल्नरेबल लोगों को एक्सपोज करते हैं तो हर तरह की नेगेटिविटी असर दिखाती है. लिहाजा जब वो इतने बड़े और समझदार हो जाएंगे कि उन्हें ये जो एक असर होता है ना कि हमारी माँ मीडिया पे आती है और वो एंकर है और वो शी समथिंग, ये जो असर है, जब ये उनके ऊपर असर करना बंद कर जाएगा ना, व्हेन दे विल ग्रो अप, तो तब मैं ज़रूर मिलाऊंगी. एक दिन धमाकेदार एंट्री होगी तमाम बच्चों की आप सबके साथ. यस ओके, कितने सवाल रह गए. मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर. अच्छा, अब सच्ची बात बताने वाली हूँ. कोई कहेगा प्यूडीपाई, कोई कहेगा जैदली टी. मुझे ऑनेस्टली जैदली अच्छा लगता है एंड मुझे जैदली अच्छा लगता है. हाँ, मतलब ही इज अ नाइस यूट्यूबर, वो अच्छे तरीके से हर चीज करता है. सो नेक्स्ट, दिस वाज अ पीस ऑफ केक. तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे फंसा लोगे? हाँ, नेम योर लीस्ट फेवरेट एक्ट्रेस. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, सॉरी भाई. लीस्ट फेवरेट इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि फॉर अ सिंपल रीजन, बात ये है कि किसी की भी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए. सो मतलब क्यों किसी को कहें कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं. हाँ, मैंने ये तो बता दिया कि मेरी वन ऑन टॉप 10 लिस्ट में कौन आता है, कॉज बट ये नहीं होता. आई कांट नॉमिनेट एनीवन. सो मैं नहीं खा रही, मैं पेरी पेरी सॉस नहीं खाऊंगी. I'm not having it. बहुत खट्टी है, सॉरी. खाने का मतलब खाना था, मैंने चख ली है. सो यू गाइस कैन नॉट फोर्स मी फॉर दैट. आई वीटो. पीटीआई या नून लीग? मैं ये जवाब नहीं दे सकती, मैं ये जवाब नहीं दे सकती. उसकी रीजन है, देखिए, अगर मैं कहूंगी पीटीआई तो नून लीग के जितने शेर हैं वो सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे गालियां देंगे. मुझे गालियों से फर्क नहीं पड़ता वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूं एंड आई डोंट केयर. अगर मैं बोलूंगी पीटीआई तो मार पड़ेगी, पिटाई होगी. अगर नून लीग बोलूंगी तो पीटीआई वाले मारेंगे, पीटीआई बोलूंगी तो नून लीग वाले मारेंगे. हकीकत यह है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ हूं, यानी
इनमें से जो भी टीम, जो भी पार्टी, वो चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो और पसीना हो, मैं सिर्फ उस टीम और उस पार्टी के साथ हूँ जो पाकिस्तान का सोचे, वो चाहे सड़क पे चलने वाले आप ही क्यों ना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तालियां बजाइए मेरे लिए, खामोश तालियां। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस। सबसे मनहूस चीजें निकल रही हैं, जो चीज मुझे पसंद है वो नहीं निकल रही है। वो किधर गई पीटीआई और नून लीग यार? अच्छा, मैंने उधर ही रखती है कहीं। तो क्या था? हाँ, चिकन स्प्रेड फिर भी हजम हो सकती है। ओके, पुरानी लग रही है मुझे कसम से। सानू रब पूछेगा, When will you start acting? ओके, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, समवन एक्टिंग ही करते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिंग। हाँ, थोड़ी सीरियसनेस में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है एंड ऑल दैट, लेकिन होता ये है कि ये भी एक्टिंग का ही हिस्सा है। हाँ, उस तरह की एक्टिंग के मैं अब कुछ नहीं कर सकती, जिंदगी मेरे लिए खत्म हो गई, वो वाली एक्टिंग। जब कभी मौका मिला तो व्हाई नॉट, तुम लोगों को सबसे पहले बताऊंगी, बिकॉज़ यू आर माय टीम। इट्स फिनिश्ड। ओके गाइस, मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि लेट्स काउंट मैंने कितने सवाल नहीं अटेंड किए। 1 2 और गड़बड़ है कुछ, 3 4 चार सवाल मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, और 1 2 3 4 5 यस, आई हैव वन। थैंक यू सो मच, लेट्स हैव सम क्रेजी फन। इसी तरह से मुझे देखते रहिए, मुझे कमेंट में अपने जो रिप्लाइज हैं वो देते रहिए। मेक श्योर दैट यू टेल मी हाउ यू फील अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ क्रेजी वी आर। लाइक एंड सब्सक्राइब, थम्स अप टू यू ऑल, हैप्पी क्वारंटीन।